न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। राजघाट थाना क्षेत्र के रायगंज उत्तरी स्थित मिश्कार टोला में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने पैसे के लेन देन में उसके दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। एसपी सिटी ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी स्थिति स्पष्ट, होगी विधिक कार्रवाई। जिला व पुलिस प्रशासन की मेहनत लाई रंग। बकरीद व सावन के अंतिम सोमवार पर जलाभिषेक हुआ सकुशल संपन्न। एसएसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठनों को व्यक्त किया आभार। अकीदत के साथ मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। नमाज अदा कर अल्लाह की रजा के लिए दी कुर्बानी, मुल्क की खुशहाली के लिए मांगी दुआएं। सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। बाबा मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर पर भगवान शिव के भक्तों के ने किया जलाभिषेक। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की हुई मौत। घायलों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। एसएसपी ने कहा जांच के बाद दोषियों पर होगी विधिक कार्रवाई। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यशाला शाखा का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न। कैलाश प्रसाद अध्यक्ष व अजय कुमार चुने गए मंत्री। और सेवायोजन कार्यालय परिसर में स्थापित प्राचीन समय माता मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ लोकार्पण। पूजा अर्चना के साथ लोगों ने की सहभागिता।